खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सीधी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, खाकी वर्दी पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। मनोज मेडिकल के मालिक अनिल गुप्ता ने लगाया ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर 50,000 रुपए लेने का गंभीर आरोप। अभी पुलिस जाँच कर करेगी मामले पर कार्यवाही। मेरा मनोज मेडिकल नाम से यहाँ पे शॉप है और भी कई सारे व्यापार हैं। तो ये करीब एक वन वीक पहले ड्रग इंस्पेक्टर साहब और पुलिस की संयुक्त जांच हुई थी। तो सभी जगह जैसे जाँच चलती रहती है रूटीन वर्क पे, जिसमें प्रतिबंधित दवाइयाँ और लाइसेंस इसकी जांच होती है हर दुकानों में। उस दिन पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा संयुक्त रूप से माननीय डीएम साहब के निर्देश में कई जगह जाँच हुई थी और जांच में आपको पता ही है कुछ नहीं मिला था। उन्होंने भी बताया कुछ नहीं है, लाइसेंस सही है, सभी चीज़ें सही हैं। और फिर जांच होने के बाद करीब 2 दिन बाद इन्होंने नोटिस दिया कि आपके दुकान में धूल जमी है, डस्ट है अलमारियों में। तो हमने इनको उसका जवाब दे दिया कि साहब रोड है और यहाँ पर धूल बहुत है, फिर भी हम लोग सफाई करते हैं और डस्ट थोड़ी बहुत आ जाती है। अगली बार से हम लोग वही प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ऐसा धूल ना मिले आपको। तो बस इसके बाद हमने इसकी जानकारी अपने मेडिकल सेंटर के अध्यक्ष को और सब लोगों को दे दी थी। इसलिए मैं ज़्यादातर दिल्ली में रहता हूँ, आज मैं आया तो ये आए हुए थे और इन्होंने नोटिस के बाद बोला कि वो एक खाली कागज़ लिए थे, बोले इसमें हमको साइन करना है, आपकी दुकानें सभी लोगों की 4-4, 5-5 दिन के लिए बंद करानी है, कि आप लोग 50,000 रुपया आप लोग सब लोग दे दें इकट्ठा करके, 7 लोग हैं। तो मेरे पास तो पैसा है साहब, मैं तो देने के लिए था, मेरा कोई क्यों, नहीं किस था चीज़ के लिए 50,000 बस ये कि आप लोग दो और हम आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे और आप लोग कोई भी ड्रग्स बेचो कुछ भी करो। ये पुलिस विभाग बोल रहे थे कि ड्रग्स विभाग, ये ड्रग इंस्पेक्टर बोल रहे थे, पुलिस तो आज थी नहीं। इसके बाद इन्होंने बोला तो हमने अपने चेयरमैन को बुलाया, जो कि चेयरमैन में उसको करके भाई आप और वाइस प्रेसिडेंट को कि आप इनसे बात कर लीजिए और इनको पैसा दे दीजिए जो भी हो, और मैं तो अपनी तरफ से 50,000 को दे देता हूँ। तो वो बोले मैं ये पैसा नहीं लूँगा, आपने इनसे क्यों बता दिया, और बाकी लोगों से वो बोले हम पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, आप रेट कम कर दो, इसकी बात चल रही थी। इसके बाद मीडिया वाले लोग आ गए और जमघट लग गया, हल्ला हो गया, अपना तो निकल गए और तब तक उन्होंने ना तो कोई साइन किया था, इसके बाद उन्होंने साइन करके क्लियर कर दिया और बस इतनी सी बातें हुई। बाकी आगे डीएम साहब के यहाँ हमारा भी प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, वो भी गए हुए हैं, जैसे डीएम साहब दिशा निर्देश देंगे तो उनके दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। ऐसा आपको लगता है कि आपको पैसे के लिए परेशान किया जा रहा है? तो सभी लोगों को पता है, सभी दुकानदारों को पता है, सभी लोगों को पता है भाई। आप ये बताइए, शहर में 50% दुकानें बिना लाइसेंस के चलती हैं, 30% लोग कोरस बेचते हैं, वहाँ पे आप नहीं जाते हो, वहाँ पे कार्रवाई नहीं करते हो। जो बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर कभी कोरस मंगाया नहीं जाता है, कभी कोरस का नाम नहीं जानते हैं, हैं वहाँ पर आप बाल मांगते हो कि आपकी दुकानें चलती हैं, आप 50,000 रुपया दो, आपके पास तो हेलीकॉप्टर है वगैरह है, बहुत सारे पेट्रोल पंप है, व्यापार है, तो आप 50,000 रुपया आपके लिए क्या बड़ी बात है, आप इस तरह की बात का उपयोग करते हैं। तो ये तो कोई भी 50,000 रुपये मान लीजिए मैं तो दे दूंगा, बाकी छोटे दुकानदार हैं वो कहाँ पाएंगे 50,000 रुपये। आपकी दुकान तो सीधी में कई सालों से खैर फेमस दुकान है, सबसे बड़ी, सबसे पुरानी दुकान है, सबसे ज़्यादा चलने वाली, सबसे फेमस दुकान है, और शासन प्रशासन पब्लिक भी जानती है कि यहाँ पे कोई ना तो गलत दवाइयाँ बिकती है, ना नशीली दवाइयाँ बिकती है, ना कभी नकली दवाइयाँ बिकती है, पर उनको पैसे तो चाहिए साहब उनको, है ना। तो ये दुकानदार देने लगे। आप कंप्लेंट वगैरह किए इस संबंध में? नहीं, अभी तो हमारा प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब के यहाँ गया हुआ है, डीएम साहब जैसा दिशा मौखिक रूप से मिलेगा उनसे, फिर डीएम साहब जैसा दिशा निर्देश देंगे उसके तहत। खबर समय जगत के लिए सीधी से विकास सिंह की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।